हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आइस एवरीवेयर। हेलो फ्रेंड्स, आप सब ने वीडियो क्लिक किया ही होगा, लेकिन वीडियो में प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो तो दूसरे को दिखाने से पहले उसको ब्लर करना जरूरी है। आज की ये वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक पे ही बात करूंगा। इसके लिए आपको कान मास्टर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप प्ले स्टोर में भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कान मास्टर ऐप ओपन करना है। बाद में यहाँ पे प्लस आइकन है, उन पर क्लिक कर लेना है। बाद में रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। बाद में आपको वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। बाद में राइट पर क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सैंपल वीडियो आ गया है। अब ये वीडियो में मैं जो भी टाइप करता हूँ, सर्च करता हूँ, उसको मैं ब्लर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको लेयर में जाना है, इफेक्ट में जाना है, बेसिक इफेक्ट में जाना है, गेशियन ब्लर पर क्लिक कर लेना है। बाद में राइट पर क्लिक कर लेना है। अब आपको सिलेक्ट कर लेना है। बाद में आप जो भी ब्लर करना चाहते हो उन पर रख देना है, और आप जितने पार्ट तक ये ब्लर रखना चाहते हो उतना सिलेक्ट कर लेना है। बाद में यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, उन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप ब्लर स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। मैं जो भी सर्च करता हूँ, टाइप करता हूँ, वो ब्लर हो गया है। बाद में राइट साइड ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, उन पर क्लिक करना है। बाद में यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेना है, और आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अपनी साइज के हिसाब से। बाद में यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।